हिंद राष्ट्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2017 में चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्म है और यहाँ पे हर लोग अपने अध्यक्ष पद के लिए तैयारी, कोई कोर्ट मेंबर, कोई कैबिनेट के लिए। आज अभी आपको एक बिहार के छात्र नेता मशकूर अहमद, जो प्रेसिडेंटशिप के लिए आ रहे हैं, उन्होंने एएमयू नॉर्थ में अपनी भाषण दिया। आइए देखते हैं उनकी क्या भाषण थी। तुम्हारे साथ खड़ा है, पुरुषोत्तर से फंड मांगो, इस कैंपस में नए कोर्सेज लाओ, नए हॉस्टल बनवाओ, डेली फैसिलिटीज को इम्प्रूव करो। ये बेसिक नेसेसिटीज है किसी भी कैंपस की। ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मस्कुर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मस्कुर, मस्कुर। गैस हॉस्टल के हवाले से एक बात कहना चाहूंगा। 12th year प्लान में ये पास हुआ, ये गर्ल्स हॉस्टल जो मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलोनी के अंदर जो बन रहा है, यहाँ का बिल्डिंग डिपार्टमेंट, इसको आप सब बेहतर तरह से जानते हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट नहीं है, वो स्लीपिंग डिपार्टमेंट है, सोता रहता है। जब आप जाइएगा वहां कोई नहीं मिलेगा, सब लोग सो रहे होंगे, पता नहीं क्या करते रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कितनी बड़ी प्रॉब्लम है अलॉटमेंट की। ऐसे हॉल के अंदर, आज हॉल के अंदर, बेगम सुल्तान जहां के अंदर, बीबी फातिमा के अंदर, हमारी बहने कॉन्ट्रैक्ट रूम में, एक रूम के अंदर पांच पांच बहने रह रही है, क्या उनको यह हक नहीं कि वो हॉस्टल जल्दी बने और उनको महसूस किया जाए? बात होगी तो गर्ल्स के हकूक की भी बात होगी, हमारी बहनों के हकूक की भी बात होगी। इंशाल्लाह इख्तदार में आते ही उस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द हमारी बहनें उस हॉस्टल में शिफ्ट हो पाए। मैं आपको बताऊं, विभाग का मसला आया, विभाग के मसले में हम लोग सब लोग थे, लेकिन अभी एक लॉलीपॉप दिया गया है बीवॉक के मसले में कि 4 साल का बीवॉक कर दिया गया, एमवॉक कोर्स आएगा। अभी तक यूजीसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जब इंशाल्लाह अगर जीत के आया या अगर अल्लाह की मसलियत हुई हार गया, तब भी मेरे साथ खड़े हो, क्योंकि बीवॉक के भाई हमारे वो MBA मुर्शिदाबाद किशनगंज से छोड़ कर आए हैं अपने विभाग का 4th year कंप्लीट करने के लिए, तो उनके साथ खड़े रहिएगा। मेरी गुजारिश आपसे, एमयू के सेंटर्स की बदहाली की बात कीजिए, किशनगंज का सेंटर, अगर आप किशनगंज के सेंटर की वेबसाइट पर जाएंगे या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे और वहां सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको यह मालूम चलेगा किशनगंज का जो सेंटर है उस पर फोटो भी किशनगंज सेंटर की नहीं लगी हुई है, वो फोटो स्टैच्यू हॉल की लगी हुई है। अब सोच लीजिए क्या हालत है उस सेंटर की, बड़ी मुश्किल से उस सेंटर को तैयार करवाया गया, वो सेंटर बंद होने के कगार पर है। हमने ये सोचा था 2010 में कि ये सेंटर बना है, कल को एक यूनिवर्सिटी बनेगी, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज होंगे, वहां पर हमारे कॉम के अक्सरियत लोग हैं, 68% लोग हैं हमारे कॉम के, उनको कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है वो सेंटर बंद होने के कगार पर है। परसों जब मौलाना असरारुल हक साहब MP किशनगंज जब यहां आए, हमने मिलकर उनसे बातचीत की, हमने कहा ये सेंटर की बदहाली का क्या रीजन है आप बताइए, उनसे डिटेल में डिस्कशन हुआ। उन्होंने बताया कि कैंपस के कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वहां पर किशनगंज सेंटर सही से चले, इतना ही नहीं मुस्लिमाबाद के अंदर सेंटर का जो हाल है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमारी पहचान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, चाहे वो मेन कैंपस हो चाहे वो सेंटर हो। यूनिवर्सिटी में इलाकाइयत, रीजनलिज्म नहीं है, बहुत थोड़ा है। लेकिन इस हालात में आपको समझना होगा कि हमें साथ मिलकर चलना है, साथ उठकर खड़े होना है। अगर साथ रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से आज का एक वाक्य मैं आपके बीच बताऊं, अभी अभी मुझे मालूम चला 22 बजे से पहले कि नॉमिनेशन की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। कल मुझे यह मालूम चला था कि 5 लोगों ने नॉमिनेशन किया और 5 लोगों में से 2 लोग नॉमिनेशन वापस ले चुके हैं और 3 कैंडिडेट बचे हैं। मैं आपको बताऊं, जो 3 कैंडिडेट बचे हैं उसके अलावा 2 कैंडिडेट का क्या हुआ आप मालूम कीजिएगा। मैंने मालूम किया अभी 5 मिनट के अंदर, तो मुझे ये मालूम था मुझे मालूम चला कि किसी लड़के ने जिसने नॉमिनेशन किया था प्रेसिडेंटशिप के लिए, उसके घर पर कुछ लोग राइफल लेके पहुंचे
और उसका नॉमिनेशन वापस करा दिया। तो आप समझ लीजिए पैसा नहीं है, वो कौन गुंडे हैं जो इसका कैंपस ला चुके हैं और इस कैंपस को बर्बाद करना चाहते हैं, इस कैंपस को हिला कर देना चाहते हैं। आप उनके खिलाफ खड़े होइए, मेरी अपील है आप लोगों से, हम लोग ये अपील करते हैं कि आप उनके खिलाफ आइए, क्योंकि ये गलत चीज है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। इलेक्शन लड़ने का हक हर किसी को है। अगर किसी के घर पे, किसी के हॉल में, किसी के हॉस्टल के अंदर इस तरह से राइफल और बंदूक लेके जाएंगे लोग और उसके नॉमिनेशन वापस कराएंगे तो इस कैंपस के हालात सही नहीं रहने वाले। और हम नहीं चाहते इस कैंपस के हालात खराब हो, हम लोग ये चाहते हैं इस कैंपस के हालात अच्छे रहे, शासदार रहे, ताकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का माहौल रहे। वाइस चांसलर साहब ने एक ऐसे वक्त में सिलेक्शन को रखा है जिस टाइम एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। 11 तारीख फाइनल डेट है, 9 तारीख फाइनल स्पीच है, 18 तारीख से सेमेस्टर एग्जाम है। मैं आपको बता दूं, जानबूझकर इन चीजों को किया गया है ताकि पोलिंग परसेंटेज कम हो जाए। मैं यहाँ से आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप इस बात को समझिए और उठ खड़े होइए और पोलिंग के लिए जरूर आइएगा, ताकि इस वाइस चांसलर को बता दिया जाए, इस नहाल वाइस चांसलर को आप बता दीजिए कि चाहे आप इलेक्शन एग्जाम के दिन भी करवाओ, पोलिंग हम जरूर करेंगे। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को चाहता है कि इस बार पोलिंग परसेंटेज कम हो जाए, 35-40 या 50% हो जाए। अगले बार जब यूनियन की डिमांड हो तो उसको दिखाया जाए कि ये देखिए पिछले बार 40% लोगों ने वोट किया, मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स की है वो इलेक्शन नहीं चाहती है, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो इस बात को समझिए और वोट देने जरूर आइएगा। आपको अपना कायद चुनना है, आप अपने कायद को देखिए कि आपका कायद कैसा होना चाहिए, कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कायद को चुने, उसे अच्छे से देखें, उसे परखें, उसके कैरेक्टर को देखें, उसके किरदार को देखें, उसके क्रेडेंशियल को देखें, उसका पास रिकॉर्ड देखें और उसका प्री इलेक्शन रिकॉर्ड जरूर देखिएगा। हर बार यही गलती होती है, यही गलती होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि हमारे बीच ऐसे कैंडिडेट लाया जाता है जो हमारे बीच से नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, वो भी स्टूडेंट ही होता है, लेकिन वो कभी स्टूडेंट कॉज के लिए खड़ा नहीं होता, कभी किसी सोशल इश्यू के लिए खड़ा नहीं होता। उसके पीछे एक मास्क लगाया जाता है, उसको उसके कमरे से उठाया जाता है, उसके पीछे एक मास्क लगाया जाता है। 100 लोग 200 300 500 खूब हंगामा काटते हैं, उन्हें इलेक्शन जिता दिया जाता है। तो इस बात को समझिए, जो लोग आपके बीच पहले से नहीं है वो आगे भी आपके बीच नहीं होंगे। तो इस बात को समझिए और बड़ी सोच समझिए, बहुत ज्यादा सोच समझ के अपने कायद को चुनिएगा। हमको ऐसे ही मुत्तहिद रहना होगा, हमको नेपोटिज्म के बुतों को तोड़ना होगा, तोहमतों की सियासत को छोड़ना होगा, हर चीज को पीछे हटाकर दिलों को जोड़ना होगा। तभी ये सूरत बदलेगी, तभी ये हाल बदलेगा, तभी ये तारीख बदलेगी, तभी ये मुस्तकबिल बदलेगा। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बात खत्म कर रहा हूं जिस बात पे काम करते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, हो कहीं ना कहीं ये आग तो चलनी ही चाहिए। आखिर में मैं मशहूर अहमद उस्मानी आप सबको हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ लेता हूं कि 11 दिसंबर के बाद नतीजा चाहे जो भी हो, जो अल्लाह को मंजूर हो वो होगा इंशाल्लाह। इस यूनिवर्सिटी में लिंडो कमेटी के नाम पर तलबा बिरादरी के हुकूकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके हुकूकों की पामाली हो रही है, लिंडो कमेटी के गाइडलाइंस को वायलेट किया जाता है। शेखुल जामिया साहब, इन सब का जवाब मैं आपसे 11 दिसंबर के बाद PIL के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में लूंगा। आज मैं आप लोगों के बीच बैठा हूं, आपका भी नंबर आएगा। बस इस बात पे अपनी बात को खत्म करूंगा, इस शेर के साथ थोड़ी तब्दीली की है इसमें। उनके कत्ल पे हम भी चुप थे, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं,
अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इतनी तादाद में आए, हौसला अफजाई की। ये जो जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर डाली है, इंशाल्लाह पूरी नहीं करिए। इन जिम्मेदारियों के साथ मैं आपके सारे इश्यूज के साथ खड़ा रहूंगा। इस यूनिवर्सिटी को बचाने की जितनी भी कोशिश होगी हम सब मिलकर साथ करेंगे। साथ आइए, इंशाल्लाह बदलाव जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।